नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मनीषा विलेज फूड चैनल में। दोस्तों अभी शाम के 5 बज रहे हैं और गर्मी के मौसम में धूप बहुत ही तेज होता है, लेकिन हम किसानों को तो खेत में आना ही पड़ेगा क्योंकि हम लोगों का आधार ही खेती करना है। तो चलिए चलते हैं अपने खेतों में। दोस्तों मैं अपने खेतों में आ गई हूँ। हमारे खेत में इस समय नेनुआ लगा हुआ है। नेनुआ की खेती बहुत ही अच्छी की गई है, आप सब देख सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने खेत में। यहाँ से देखकर हम नरम नरम नेनुआ तोड़ेंगे। ये देखिए नेनुआ हम ज़्यादा मोटा नहीं तोड़ेंगे। ये देखिए इस तरह से जो नेनुआ है उसी को तोड़ेंगे। ये देखिए ये नेनुआ का बतिया है, इसे नहीं तोड़ेंगे। इधर नेनुआ के फूल हैं और इसमें से ढोंढ़ी भी निकल रहा है, अभी ये भी फूलेगा। बहुत सारे नेनुआ फूले हुए हैं और इधर नेनुआ के बतिया भी हैं। अभी छोटा है, अभी बढ़ेगा तब इसे तोड़ेंगे। तो जो नेनुआ तैयार है उसी को हम तोड़ेंगे। एक नेनुआ इधर है, इसे भी मैं तोड़ लेती हूँ। एक यहाँ पर भी फला हुआ है, बहुत ही अच्छा फला है, इसे भी मैं तोड़ लेती हूँ। नेनुआ को सींचने के लिए बीच में बरहा बनाया गया है, इसी बरहा में पानी भरते हुए नेनुआ को सींचते हैं। इधर देखिए इधर भी बनाया हुआ है जानवरों को डराने के लिए। हम अपने ज़रूरत के हिसाब से तोड़ लिए हैं। दोस्तों आज मैं नेनुआ की बहुत ही अच्छी रेसिपी बनाकर आप लोगों के बीच शेयर करूंगी, तो आप लोग हमारे वीडियो पर बने रहिए। पर मैंने नेनुआ लिया हुआ है, ये हमारे खेत का ताजा नेनुआ है और बहुत ही नरम है। इधर मैंने प्याज लिया हुआ है, प्याज का छिलका उतार कर रखी हूँ। लहसुन लिया है, इसका भी छिलका उतार ली हूँ। यहाँ पर मैंने करीब 200 ग्राम चना का दाल लिए हुए हैं। ये हमारे घर का चना का दाल है और बहुत ही अच्छा है। तो चलिए सबसे पहले मैं चना के दाल को उबाल लेती हूँ। चलिए चूल्हे में आग जला लेते हैं। जल रहा है, चूल्हे पे रखते हैं बहुना। इसमें हम डालेंगे एक लोटा पानी। थोड़ा सा पानी कम लग रहा है तो थोड़ा सा और डाल देते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी चना का दाल। अब इसे एक प्लेट से ढक देते हैं। जब तक दाल में उबाल आ रहे हैं इधर मैं सब्जियों को काट छाट कर तैयार कर लेती हूँ।
नेनुआ को मैं काट कर तैयार कर ली हूँ। अब मैं इधर प्याज को भी काट लेती हूँ। प्याज को थोड़ा बड़े टुकड़ों में काटूंगी। सभी सब्जियों को काट छाट कर तैयार कर लिए हैं। चलिए चूल्हे की तरफ भी देख लेते हैं। हटाकर चेक करते हैं कि दाल हमारे उबले हैं कि नहीं। इसे हम हाथ से दबाकर चेक कर लेते हैं। ये देखिए दाल मैश हो जा रहे हैं, हाथों से अच्छे से उबल गए हैं। अब मैं इसे चूल्हे से नीचे उतार देती हूँ। अब मैं दाल को पानी से अलग कर लेती हूँ। इस तरह से इसे छान लेती हूँ। छानने के बाद एक बर्तन में इसे ठंडा होने के लिए निकाल देती हूँ। अभी सामान को तैयार करके रख लिए हैं। अब मैं चूल्हे में आग जला ली हूँ और चूल्हे पे रखती हूँ कढ़ाई। कढ़ाई में डालूंगी सरसों का तेल। तेल को गर्म होने देती हूँ। तेल हमारा गर्म हो गया है, इसमें मैं जीरा का तड़का लगाऊंगी। दो सूखी लाल मिर्च डालूंगी। जीरा चटकने के बाद इसमें मैं डालूंगी कटा हुआ प्याज। प्याज को हल्का लाल होने तक भूनूंगी। प्याज का कलर चेंज हो गया है, अब मैं इसमें डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। इसका कच्चापन दूर होने तक इसे भून लेती हूँ। अदरक लहसुन का कच्चापन दूर हो गया है, अब मैं इसमें डालूंगी चना दाल। चना दाल को हम भून लिए हैं। अब मैं इसमें डालूंगी मसाले। मसालों में डालूंगी हल्दी पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर, इसमें हम गरम मसाला भी मिक्स किए हैं, अब मैं मसालों को हल्का सा भून लेती हूँ। थोड़ा सा पानी डाल लेती हूँ जिससे मसाले हमारे अच्छे से पक जाएंगे। मसाले हमारे पक गए हैं और इसमें से खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। अब मैं इसमें डालूंगी कटा हुआ नेनुआ। नेनुआ को डालने के बाद इसे पलटे से चला देते हैं। नेनुआ को गलने के लिए मैं इसमें डालूंगी स्वाद के अनुसार नमक। इससे नेनुआ ढक्कन को हटाकर देखते हैं। ये देखिए नेनुआ हमारे बहुत ही अच्छे से पक रहे हैं।
नेनुआ में हम पानी बिल्कुल नहीं डाले थे, फिर भी देखिए नेनुआ का पानी छोड़कर इतना ज़्यादा पानी इसमें हो गया है। तो इसे थोड़ी देर तक और पकाते हैं ताकि इसमें का जो पानी है वो अच्छे से सूख जाए। बोली नेनुआ का पानी सूख गया है और सब्जी हमारी बनकर तैयार है। चलिए इसे चूल्हे से नीचे उतार लेते हैं। नेनुआ चना दाल की सब्जी बनकर तैयार है, बहुत ही अच्छा बना है। आप लोग भी इस तरीके से जरूर बनाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। चलिए इसे सर्व करने के लिए एक थाली में निकालते हैं। दोस्तों आप इस सब्जी को रोटी के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो आप लोग इसे जरूर ट्राई करिएगा। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।